ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की मुरली है, तारीख है 7/4/1986 की बाबा की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने विशेष हम बच्चों को कहा, स्नेही सहयोगी तो हो लेकिन अभी तपस्वी मूरत बनना है और विधाता बनना है। विधाता के बच्चे मास्टर विधाता बन हर एक आत्मा को कुछ ना कुछ हमेशा देते रहना है। खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, इतने खजाने जो मिले हैं वो सबको देते जाना है, क्योंकि हर एक आत्मा इस समय प्रकृति से, वायुमंडल से आपस में एक दूसरे के संबंधों में बहुत बेचैन है, दुखी है। तो उन आत्माओं की हमें विधाता बन करके सदा सेवा करते रहना है। तो अभी बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली का हेडिंग है तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी हो। जो विधाता बनेंगे वही सतयुग में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। आज रूहानी क्षमा, अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हम सब हैं परवाने, शिव बाबा है क्षमा, सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलने के लिए, मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं ना। देश विदेश से बाबा के सब बच्चे उड़ करके मधुबन बाबा से मिलन मनाने पहुंच गए। तो रूहानी परवानों का प्यार, रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने, कितना प्यार है। वो बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के स्नेह, दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। सबका बाबा से स्नेह है, इसलिए दौड़कर उड़कर के बाबा के पास सभी मेले में पहुंच गए। यह अलौकिक मेला, अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने, दुनिया के लिए ये मेला गुप्त है। दुनिया वाले तो नहीं जानते ना, क्यों दौड़ दौड़ करके मधुबन जाते हैं, आबू जाते हैं, ये उनके लिए तो गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। ये मेला कैसा मेला है? ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने वाला मेला है। उन मेलों में तो मेले होते हैं, इस मेले में स्वच्छ बनते हैं। ये मेला हमें भरपूर करता है। जब बाबा से मिलन मनाने जाते तो मेला माला माल बनाने वाला है। ये परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है सर्व प्राप्ति स्वरूप। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। बाबा के लिए सबके मन में कितना प्यार स्नेह भरा हुआ है, वो लहरें बाबा देख रहा है। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघन विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। लगन है बाबा से मिलने की, तो कितने विघ्नों को पार करके भी मधुबन बाबा से मिलन मनाने पहुंच गए। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। कुछ ना कुछ तो समस्या होती है, कभी घर की होती है, कभी धन की होती है, कभी और कोई प्रकृति का समस्या आ जाती है,
तो पहुंचने में कई बातें विघ्न स्वरूप बन जाती हैं, लेकिन लगन है बाबा से मिलने की तो सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई और उस लगन की अग्नि में विघ्नों को समाप्त करके बाबा के पास पहुंच गए। एवर रेडी की रिहर्सल करके दिखाई, सदा तैयार। जब बाबा मिलन मनाने के लिए बुलाए और बच्चे एवर रेडी हो गए ना, ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज लगती हैं और प्यारी भी लगती। जो ड्रामा बना वो ड्रामा वाहा। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, दौड़े दौड़े पहुंचते हैं ना मधुबन में, कितनी बार पहुंचते हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ करके आए। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, स्नेह है बाबा से, तभी दौड़ दौड़ करके मधुबन में पहुंच गए, वो स्वरूप तो दिखाया। अब आगे क्या करना है? तो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा विशेष क्या चाहते हैं? स्नेही तो हो, अब बाबा आपसे क्या चाहता है? वैसे तो पूरी सीजन के समय प्रति समय इशारे देते रहते हैं, बाबा इशारा देता रहते हैं ना, अब क्या पुरुषार्थ करना, अब क्या करना है, बाबा आप बच्चों से क्या चाहते। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अब क्या करना है, क्या बनना है, वो बाबा बता रहे। स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो, सेवाधारी भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से तपस्या करो, ठीक है? अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, क्या करना है, तपस्या करनी। तो अपने संगठित रूप में इकट्ठे रूप में तपस्या करो और रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। कौन सा समय है ये? कौन सा समय है? स्नेही हो, सहयोगी हो, सेवाधारी भी हो, लेकिन अभी दुखी अशांत आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्वात्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही हैं। दुनिया में देख रहे हैं ना कैसा अनुभव हो रहा है सभी को आजकल। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप तपस्वी आत्माएं, सब आत्माएं बेसहारा अनुभव कर रही हैं, दुख शांति का अनुभव कर रही हैं, आप उनके लिए सहारा बनो, महातपस्वी बनकर उन आत्माओं की सेवा करो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन का अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है कि नहीं? सारी दुनिया इस समय, सारी दुनिया की बात बाबा कर रहे,
तन की बीमारियों से, प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माएं एक दूसरे से, संबंधों से, सब बेचैन है। तो ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। तो तपस्वी मूरत बनकर इन आत्माओं को मास्टर सहारे दाता बनकर सहारा दो, सुख शांति की अनुभूति कराओ, तो वो आपका कितना शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है ना। योग भी हम करते हैं तो कैसा योग करना है? ज्वाला स्वरूप वाला योग करना है, संगठित रूप का। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ। क्यों? लंगर लगाओ, लंगर लगाते हैं ना जिसमें भोजन देते हैं सबको, स्थूल भोजन शरीर को चाहिए। जो आप क्या दो? जो आत्मा को चाहिए। क्यों? क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं, सारी दुनिया इस समय भिखारी है ना। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते हैं, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के। धन संपत्ति बहुत है लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, ऐसे भिखारी दुनिया में बहुत हैं, अनेक प्रकार के हैं। तो अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है, बहुत आत्माएं प्यासी है। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ, संगठित योग करके उन आत्माओं को देते जाओ। जो खजाने जमा किए वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। धन दिए धन न खुटे, बाबा से जो खजाने मिले हैं वो जितना देते जाओगे दूसरों को उतना और जमा होता जाएगा। तो अब विधातापन की लहर फैलाओ, जो खजाने जमा किए हैं वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय। कितने सालों से बाबा सुना रहे हैं ना हम बच्चों को, तो हमें क्या करना है? कि बस सुनते रहने सुनते रहने सुनते रहने, या करना है? अब करने का समय है। तपस्वी मूरत का अर्थ है, क्या अर्थ है? बाबा ने बहुत अच्छा अर्थ बताया। तपस्वी मूरत किसको कहेंगे? तपस्वी मूरत का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। आपकी तपस्या के द्वारा चारों ओर शांति की किरणें फैलती हुई अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बनकर शक्ति लेना, मिलन मनाना वो अलग बात है। मैंने योग किया, मुझे बाबा से शांति मिली, शक्ति मिली, बाबा से मिलन मनाए, वो अलग बात है। लेकिन तपस्वी स्वरूप बन औरों को देने का स्वरूप है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप। एक है स्वयं के प्रति योग करना, एक है अन्य आत्माओं को देना। तो तपस्वी माना देने का स्वरूप। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, सूरज कितना देता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा
प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। मेरे पास ही खुद का जमा नहीं है तो फिर मैं दूसरों को दूंगी कैसे? तो बाबा कहते पहले स्वयं का जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। ज्ञान से योग की शक्ति से मैं माया जीत बन गई और श्रेष्ठ आत्मा बन गई। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, मैंने बाबा का ज्ञान लिया, योग किया, मेरा जीवन अच्छा बन गया, बहुत अच्छा हुआ, सिर्फ इसी में खुश नहीं रहना। लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने, दिया कितनों को, अपने लिए जिए तो क्या जिए, कहते हैं ना, मैंने बाबा से लिया, मेरा जीवन अच्छा बन गया, लेकिन मैंने दूसरों को कितना जीवन उनका श्रेष्ठ बनाया, उनको कितनी खुशी दी, शांति दी, शक्ति दी, मैंने अन्य आत्माओं की कितनी सेवा की, तो दूसरों के प्रति कितना विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए या सिर्फ जमा को देखकर खुश हो रहे हो, मेरे पास इतना खजाना है, खुशी है, शांति है, शक्ति है, बस उसे सेवा में कितना लगाया। अभी ये चार्ट रखो, विधाता कितनी बनी मैं, अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, कितने खजाने हैं हमारे पास। सिर्फ देख देख के खुश नहीं होते हो जाओ कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, उसे सेवा में लगाओ। खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना, कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया। बढ़ेगा कब? जब बांटेंगे तो बढ़ेगा। इससे ये कॉमन चार्ट तो रखते हो, वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। कॉमन चार्ट तो ये कि मेरे पास क्या क्या खजाने हैं, मैंने कितना स्वयं के लिए जमा किया, लेकिन मैंने दूसरों के लिए कितना किया, तो बढ़ जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। पर उपकारी, दूसरों का उपकार करोगे, आपका उपकार स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है, कौन सा चार्ट रखना है? विधाता बनने का, देने का। ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, इसको कहेंगे तपस्या। विश्व कल्याणकारी बनना, तो कितने का कल्याण किया ये देखो, क्वेश्चन मार्क है मूल्य, अपने से पूछो कितनों का कल्याण किया। स्व कल्याण में ही समय जा रहा है, स्व कल्याण का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मापदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सके। जब विधाता ही नहीं बने, अन्य आत्माओं की सेवा ही नहीं की, तो विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? तो फिर पद्मापदम इस भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे विश्व राज्य अधिकारी, क्योंकि विश्व महाराजन, विश्व के मात पिता
अर्थात विधाता। विश्व महाराजन कौन बनेगा? माता पिता है ना, जिन्होंने सेवा की है विश्व की, वही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। संगम युग में विधाता बनकर देने का संस्कार अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनाएगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार, अब क्या क्या लेने की चाहना रहती है, कोई भी रूप में है लेने का संस्कार, कोई भी रूप में है। कौन कौन से रूप है लेने के? नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। लेने के संस्कार समाप्त, देने का संस्कार, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए या और कुछ होना चाहिए, मेरे को ये सेल्वेशन मिलनी चाहिए, तो ये लेने के संस्कार होंगे तो फिर संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। लेना नहीं, देना 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 देना। तपस्या अर्थात, तपस्या अर्थात विधाता। अब दूसरी बात, तपस्या अर्थात लेवता के त्याग मुहूर्त। किसका त्याग करना है? मुझे कुछ लेना है, मेरे को ये मिलना चाहिए, इस संस्कार का त्याग। तो तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मुहूर्त, लेने का भाव ना हो, सदा देने का भाव। ये हद के लेवता त्याग मुहूर्त तपस्वी मुहूर्त बनने नहीं देगा, इसलिए तपस्वी मुहूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप। बाबा तपस्वी मुहूर्त का अर्थ बता रहे, तपस्वी अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। हद की इच्छाएं क्या हैं? उसकी भी अविद्या, उसका ज्ञान ही नहीं है। हद की कोई इच्छा ना हो, जो लेने का संकल्प करता है वो अल्पकाल के लिए लेता है और सदा काल के लिए गवाता है, क्योंकि अभी मिल जाएगा फिर आगे नहीं मिलेगा। जिसको बाबा मुरली में कई बार कहते, बच्चे कच्चा फल खा लेते हैं तो पका हुआ फल कैसे मिले, जन्म जन्म की प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। तो जो अभी लेता है लेकिन सदा काल के लिए गवाता है, इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी मुहूर्त बनो, विधाता बनो, इच्छा मात्रम अविद्या बनो, नाम मान शान के लेवता ने। तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छा है, इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का ये सबूत देना है, बाप समान बनने है ना। स्नेह का सबूत दिया ये तो खुशी की बात है, स्नेह का सबूत तो बाबा ने पास किया ना सबको स्नेह में, तभी मधुबन पहुंचे बाबा से मिलने के लिए। अभी तपस्वी मूरत बनने का सबूत दो, समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। ये तो जरूर है कि सबका भाव स्वभाव संस्कार अलग अलग है, तो क्या होता जब हम किसी के स्वभाव संस्कार को देखते हैं ना, तो फिर हमारे विधातापन के संस्कार, थोड़ा मैं उसके लिए शुभ भावना रखूं, शुभकामना रखूं, शांति दूं, तो थोड़ा सा हम लोग उसके स्वभाव के प्रभाव में आ जाते हैं, देने का भाव थोड़ा कम हो जाता है।
इसलिए बाबा बता रहे हैं हम बच्चों को, वैरायटी संस्कार होते हुए भी, भले हर एक के स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं और रहेंगे ही, होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, चाहे वो कैसा भी है, वो अपने आप उसके वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, समझा? जैसे मधुबन में भाग कर पहुंच गए हो, ऐसे ही तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो, ठीक है? शरीर से तो भाग कर पहुंच गए मधुबन, ऐसे तपस्वी स्वरूप जो हमारी मंजिल है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए भी भागो। अच्छा, भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है, जो भी किया जो भी हुआ बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं, हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे आ रहे हैं ये नहीं सोचा, तो क्या हुआ, मधुबन में बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, बहुत बच्चे आ गए। अच्छा, तो सच्चा कुंभ का मेला यहाँ लग गया, सभी अंतिम मिलन अंतिम टुब्बी देने आए, बाबा की सीजन जो चली उसका ये लास्ट ग्रुप था, तो सबने सोचा चलो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लास्ट में बाबा का ये मिलन है तो हम भी टुब्बी लगा लें, इसे कहते हैं ना भाई अंतिम टुब्बी जरूर लगाएं। तो ये सोचा कि इतने सब आ रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी, जब ज़्यादा बच्चे बाबा के पास पहुंच गए मधुबन में तो जरूर मिलने की विधि चेंज हो जाएगी ना। इस शुद्ध बुद्ध से न्यारे हो गए, कितने सब पहुंचेंगे, इस शुद्ध बुद्ध से न्यारे हो गए, न स्थान देखा न रिजर्वेशन देखा, इतने सब पहुंचेंगे तो कहाँ रहेंगे, तो टेंट भी लगाना पड़ता था ना। अभी कभी भी ये नहीं बहाना दे सकेंगे रिजर्वेशन नहीं मिलती, बिना रिजर्वेशन के भी कहीं पहुंच गए, ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई, संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है ना, ना बाप दादो को स्व का रथ है, संगम युग पर हम स्वराज्य अधिकारी तो जरूर है पर धरती के राज्य तो नहीं, वो तो सत्ययुग में बनेंगे ना, और शिव बाबा को भी अपना रथ नहीं है, पराया राज्य है, पराया तन है, इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई। इतने सब बच्चे जब पहुंच गए तो बाबा को 86 में ही अपने मिलने की विधि को चेंज करना पड़ा, जैसे एक एक भाई बहनों से बाबा स्टेज पर बुला के सबसे मिलते थे, तो वहीं से बाबा ने फिर परिवर्तन किया, क्योंकि इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और फिर बाबा का शरीर जो तन है वो भी बाबा कहते मेरा नहीं है पराया तन है, तो वो भी देखना पड़ता ना। तो नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई, तभी से नई विधि शुरू हो गई, पर्सनल जो बाबा सबसे मिलते थे उसमें परिवर्तन हुआ। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, इतने सब हो गए तो फिर मधुबन में पानी की भी कमी हो जाती है ना, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे, जो भी जितने भी आए हैं बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते, बाबा फिर भी बच्चों का बहुत स्नेह से स्वागत कर रहे हैं। अभी समय दिया है, विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए, फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं ना, है ना, लौकिक पढ़ाई में भी
स्कूल कॉलेज में परीक्षाएं होती हैं तो उससे पहले प्रिपरेशन लीव होती है, तो बाबा ने हम बच्चों को अभी ये फाइनल पेपर से पहले समय दिया है, छुट्टी देते हैं ना है? ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें, तो बाबा ने भी हमको ये पुरुषार्थ के लिए समय दिया है। तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। ये पुरुषार्थ जरूर करना, कोई भी बात हो जाए उसको पकड़ के बैठ नहीं जाओ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क नहीं, स्थिति हलचल में नहीं लाओ, क्या करो फटाफट उस बात को बिंदु लगाना है, और बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो, राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रतिविधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। बिंदु लगानी है, बिंदु की स्थिति बनानी है और सिंधु बनकर सेवा करनी है, और सिंधु बनकर सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु, बिंदु लगानी है, बिंदु स्थिति बनानी है, बिंदु को याद करना है और सिंधु बनकर सेवा करनी है। तो सिंधु, ये दो बातें विशेष स्मृति में रख, श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है, सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना, तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व वृक्षों प्रति वरदाता का वरदान है। क्या वरदान दिया बाबा ने, बिंदु बनना है, सिंधु बनना है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दे, बड़ी दिल से विशाल दिल बनना है, फ्राक दिल बनना है। महान पुण्यात्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता, वरदाता, सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात, अलग अलग ग्रुप्स से बाबा की मुलाकात, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है, इतना देता है, जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। केवल हम संगम युग पर भाग्यवान नहीं है, लेकिन जन्म जन्म तक ये हमारा भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था, सोचा था इतना मिलेगा है? न मन में न चित में था कि इतना मिलेगा, असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है
बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, हम इतने श्रेष्ठ भाग्यवान हैं, जो सोचा नहीं था वो मिल गया, असंभव संभव हो गया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी खुशी रहती है? कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती है, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है ना। कितना बाबा से खजाना मिलता, कितनी बातें बाबा रोज खुशी की सुनाते, तो जो चीज रोज मिलती है वो बढ़ेगी ना, है ना। मुरली से कितनी खुशी मिलती है, योग में बैठो कितनी खुशी मिलती है, सेवा से कितनी खुशी मिलती है, तो वो खजाना तो बढ़ रहा है ना खुशी का हमारा। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिकर में रहने वाले नहीं है, कोई फिकर, कोई फिकर नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भी फिकर नहीं, बेफिकर है। ठीक है, बाबा ने फिर बेफिकर बादशाह बना दिया ना। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना, है ना। अभी जो समस्या पर चल रही है, बीमारी चल रही है, महामारी चल रही, तो भी क्या होगा, जानते हैं ना, परिवर्तन ही तो होगा, और क्या होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन है तो सब पुराना ही, इसलिए बेफिकर बन गए। पता नहीं आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिकर नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। ठीक है, संगम युग कल्याणकारी युग है। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह, सतयुग में भी बादशाह, अभी भी बेफिकर बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिकर हो गए। ऐसी बादशाही कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता, ऐसी बादशाही बाबा हम बच्चों को देते। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिकर बादशाह बनाओ। हम तो बने, ठीक है, बाबा ने कहा ना सिंधु बनकर सेवा करते जाओ, तो दूसरों को भी अब ऐसे ही बादशाह बनाओ। दूसरा ग्रुप, सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। अनुभव करते हो बाबा की छत्र छाया में, ये याद की छत्र छाया। कौन सी छत्र छाया? बाबा की याद ही छत्र छाया है। तो ये याद की जो छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता है। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजय है ही है। जब बाबा की छत्र छाया में तो सेफ है, विजय है ही है, तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया कार वार कर लेगी। ठीक है, बाबा की याद की छत्र छाया में रहेंगे तो माया वार नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा भी संकल्प भी बाहर गया तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाए। छत्र छाया में रहने वालों की बातें सब सहज, कितनी भी बड़ी बात आए,
किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी, ऐसी छत्र छाया की कमाल है। सुना बाबा की याद की छत्र छाया की कमाल। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया, तो आ जाओ इसी छत्र छाया में, कहीं माया के आकर्षणों में फंस नहीं जाओ। अगर किसी भी आकर्षण में से बाहर गए तो गया, इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो तो इस आकर्षण से सदा दूर रहना। कितने भी माया के आकर्षण आए उसमें फंस नहीं जाना, सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, बेहद की प्राप्ति तो सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात सदा छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना दे, सदा के लिए छत्र छाया में रहना है। जो सिकी लदे लाडले होते हैं वो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं, याद ही छत्र छाया है, याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी, संकल्प रूपी पांव भी बाहर नहीं जाए, सदा बाबा की याद की छत्र छाया मेरे। ये छत्र छाया माया को सामने आने नहीं देती है, माया की ताकत नहीं है जो आए छत्र छाया में आने की, वो सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। तो सदा बाबा की याद में है, सदा बाबा की छत्र छाया में है, तो माया पर विजय पा लेते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, ठीक है? बाबा के बच्चे बन गए ना तो बच गए माया से, छत्र छाया में रहना माना बाबा माया से बच जाना, छत्र छाया में आ गए, बच्चे बन गए। ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते। लौकिक में भी होते हैं ना, थोड़ा सा बच्चे को धूप लगती पान बस तो माँ बाप क्या करते हैं, छाया कर देते हैं ना बच्चों पे, चुन्नी डाल देंगे, साड़ी का पल्ला डाल देंगे, छतरी डाल देंगे, थोड़ा भी बच्चे को है हवा नहीं लगे, धूप नहीं लगे, पानी नहीं लगे, कितनी सेफ्टी रखते हैं। ये प्यार है ना, तो बाबा का भी हम बच्चों से कितना प्यार है, तभी बाबा हम बच्चों को सदा अपनी याद की छत्र छाया में रखते हैं। यही विशेष वरदान रखना, याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई, बच्चे बन गए, लाडले बन गए तो बाबा की छत्र छाया मिल गई और माया से सेफ हो गए। बस हम संकल्प रूपी पांव भी इस छत्र छाया से बाहर ना ले जाए, ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय सभी ने जागरण किया, कितने घंटे बाबा रहे, 86 में है ना, पूरी रात बाबा बच्चों से मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे। सुबह हो गई तो सभी ने क्या किया, जागरण किया, पूरी रात बाबा का प्रोग्राम चलता रहा तो बच्चों ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं, जागरण करते हैं ना, नवरात्रों में भी जागरण होते, शिवरात्रि पे भी जागरण होता। भक्तों को सिखाने वाले इष्ट देवी होते हैं, तो आपने जागरण किया बाबा मिलन के लिए, तो फिर आपके भक्त भी आपके लिए जागरण करते हैं।
जब वहाँ यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब तो भक्त कॉपी करें। तो ये भी संगम युग का यादगार है, हमने ऐसा किया तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। बाबा के सामने बैठे रहे, बाबा अनेक बच्चों से मिलते रहे, पार्टियों से जो बैठे थे उन्होंने भी तो कमाई जमा की ना, बाबा को याद करते रहे। तो आज की रात कमाई की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है, होता है ना जागना, व्यापारी लोग तो बहुत ऐसे करते, सीजन होती है तो रात को जाग करके भी कमाई करते। तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हरेक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ बाबा की याद में सब बैठे रहे, बाबा से मिलन मनाते रहे, खूब कमाई जमा कर ली। अब क्या करना, जमा किया हुआ महादानी बनकर औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। दूसरों को भी देते जाओ और खुद भी अनेक जन्म खाते रहोगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। सुबह हो गई ना, तो बाबा गुड मॉर्निंग नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, गोल्डन मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, गोल्डन भी नहीं कहेंगे, डायमंड मॉर्निंग है। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, संगम युग डायमंड युग है ना, तो डायमंड मॉर्निंग। और जमा भी डायमंड ही करते हो, सब डायमंड ही डायमंड है, ठीक है, डायमंड युग है, डायमंड मॉर्निंग है, जमा भी डायमंड कर रहे हो, हीरे बने हो, हीरे तुल्य जीवन बना है, हीरे जमा कर रहे हो, तो सदा डायमंड ही डायमंड है। सेम भी डायमंड हो, मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। तो क्या बाबा कर रहे हैं बच्चों से, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सभी देख रहे हैं ना हमें, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक व्यर्थ संकल्प किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए, क्योंकि दूसरे हमको फॉलो करने वाले, कॉपी करने वाले। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद की विराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद विराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित
सर्वात्माओं को पवित्रता की किरणें दें, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। साथ साथ आज ये भी खुशखबरी है, आप सबको मालूम होगा आज बाबा मिलन का प्रोग्राम है। यहाँ पर भी सेंटर पर भी हम प्रोजेक्टर लगाएंगे, बड़ी स्क्रीन पर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, और नहीं आ सकते तो अपने अपने घर में पीस ऑफ माइंड चैनल पर या यूट्यूब पर बाबा मिलन का प्रोग्राम अवश्य ही देखेंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे। ओम श